नमस्कार मित्रों, केस स्टडी विद सचिन ठाकुर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के संक्षिप्त इतिहास की तथा आपको बताएंगे अमेरिका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं आपको एक और वीडियो हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने अमेरिका पर एक केस स्टडी दी है, जिसमें प्रमुख तीन कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से अमेरिका एक गुलाम देश से विश्व महाशक्ति बना। इन स्ट्रेटजीज को यूज कर आप अपने कैरियर व बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अमेरिका में मानव जीवन की शुरुआत लगभग 30,000 साल पहले रूस से आए आदिवासियों द्वारा हुई, जिन्हें बाद में रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन नाम दिया गया। अमेरिका का दुनिया से परिचय सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा कराया गया। इससे पहले दुनिया अमेरिका के बारे में अनभिज्ञ थी तथा कुछ नहीं जानती थी। वास्तव में क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्र के रास्ते इंडिया की खोज करने निकले थे, लेकिन विपरीत दिशा में चले जाने के कारण वे अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका को ही इन्होंने उस समय इंडिया समझ लिया तथा वहां के नेटिव अमेरिकन लोगों को रेड इंडियन नाम दिया, जिस कारण आज भी नेटिव अमेरिकन्स को रेड इंडियन कहा जाता है। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज करने के बाद यहाँ के लोगों पर स्पेन, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने राज किया। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ज्यादा नुकसान न होने के कारण अमेरिका विश्व महाशक्ति बनना शुरू हुआ। नुकसान न होने का प्रमुख कारण अमेरिका का दोनों वर्ल्ड वॉर में शुरुआत में युद्ध न करने का निर्णय रहा। हालांकि अंत में उसे दोनों विश्व युद्धों में शामिल होना पड़ा, लेकिन उससे अमेरिका को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी देशों को हुआ, क्योंकि दोनों युद्धों में अमेरिका के सम्मिलित होने के कुछ समय पश्चात ही युद्ध समाप्त हो गए। अगर आप विश्व युद्धों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर हम वर्तमान में अमेरिका की बात करें तो मिलिट्री रैंकिंग में नंबर 1, हायर एजुकेशन सिस्टम रैंकिंग में नंबर 1, कंट्रीज GDP इंडेक्स में नंबर 1, जेनरोसिटी इंडेक्स में नंबर 1, जबकि भारत 124 पर है। जेनरोसिटी इंडेक्स के अंतर्गत किसी देश के नागरिकों के हेल्पिंग, सपोर्टिंग तथा वॉलंटियरिंग स्वभाव को देखा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 6, इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 8, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 15 नंबर पर है। कुछ और फैक्ट्स की यदि हम बात करें तो भूभाग की दृष्टि से रशिया तथा कनाडा के बाद अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिकन एथलीट्स ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं। अमेरिकन्स ने दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज सम्मान जीते हैं। अमेरिका स्पेन तथा फ्रांस के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटकों द्वारा पसंद किए जाने वाला देश है। अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग फ्लोर एरिया में विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिस प्रकार बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले एकमात्र व्यक्ति अमेरिकी थे। अमेरिका में सबसे ज्यादा लगभग 4.5 करोड़ इमिग्रेंट्स रहते हैं। अमेरिकन लगभग 100 एकड़ पिज्जा रोज खा जाते हैं। USDA के अनुसार अमेरिका में लगभग 28.3 मिलियन एकड़ कृषि भूमि विदेशी निवेशकों के पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा पहला राष्ट्र था जिसने अपने राज्य के प्रमुख के लिए राष्ट्रपति की उपाधि का उपयोग किया। अमेरिका में किसी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा अरबपति हैं। यद्यपि अमेरिका में दुनिया की 5% से भी कम आबादी निवास करती है, लेकिन अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 25% हिस्सा उत्पादित करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 100 लोगों पर लगभग 120 गन हैं, जबकि भारत में 100 लोगों पर 5 गन हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के अनुसार अमेरिका के 57% लोग यह सोचते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता या विफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक अन्य सर्वे के अनुसार अमेरिका के 54% लोग धर्म को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।